हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक्स के टैबलेट के फोर्थ पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने कोटेड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स एंड डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट को कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट को डिटेल में देखने वाले हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी भी मटेरियल के क्वालिटी को चेक कर रहा हूँ तो उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नया नया मोबाइल बनाया है तो उस मोबाइल को मैं चेक करूँगा, उस मोबाइल के क्वालिटी को चेक करूँगा कि ये मोबाइल के क्वालिटीज़ बरोबर है कि नहीं। ये मोबाइल का जो ईयरफोन जैक है या फिर स्क्रीन है, ये जो कैमरा है, बैटरी है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, मेरा जो मोबाइल है वो हैंग हो रहा है या हैंग नहीं हो रहा है, तो ये सब मैं चेक करूँगा अपने मोबाइल के अंदर। वो चेक करने के बाद, क्वालिटी को चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर वो मोबाइल को मार्केट में भेज देते हैं हम। तो इसी तरीके से हम टैबलेट के भी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब हमारा टैबलेट अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम क्या करते हैं, उस टैबलेट की क्वालिटी को चेक करते हैं। वो क्वालिटी को चेक करते हैं कि ये जो हमारा टैबलेट है अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, इसे हम मार्केट में भेज सकते हैं कि नहीं। तो अगर वो क्वालिटी अच्छा नहीं होता है टैबलेट का तो हम क्या करते हैं, उस टैबलेट को हम मार्केट में नहीं भेजते हैं। अगर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अगर पास हो जाता है टैबलेट तो हम क्या करते हैं, उस टैबलेट को मार्केट में भेज देते हैं। तो इसी प्रकार हम टैबलेट के भी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं वो भी चेक करते हैं। सो ये जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है इसे हम इवेलुएशन टेस्ट ऑफ टैबलेट भी बोलते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे टाइप के इवेलुएशन टेस्ट होते हैं, उसे हम एक एक करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले टेस्ट होता है अपीयरेंस टेस्ट। अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द टैबलेट फॉर एलिगेंस, शेप, साइज, कलर, सरफेस टेक्सचर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑडर एंड टेस्ट। सो अगर हम अपीयरेंस की बात करें सो हम टैबलेट के अपीयरेंस को अपनी आँखों से विजुअली देख के पता कर सकते हैं कि ये टैबलेट अच्छा है या फिर ये टैबलेट बेकार है। जैसे कि हम टैबलेट के शेप एंड साइज़ को देख सकते हैं, उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर टैबलेट का जो कलर है, जो सरफेस टेक्सचर है, उसे हम देख सकते हैं कि टैबलेट का शेप, साइज़, कलर, सरफेस टेक्सचर अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा होता है तो हमारा जो टैबलेट अपीयरेंस टेस्ट है वो पास कर लेता है, लेकिन अगर हमारा टैबलेट अच्छा नहीं हुआ दिखने में तो हमारा जो टैबलेट का जो अपीयरेंस टेस्ट है वो टैबलेट फेल हो जाता है। नेक्स्ट होता है शेप। एज पर इंडियन फार्माकोपिया द शेप ऑफ टैबलेट कैन बी सर्कुलर, बाय कॉन्वेक्स और फ्लैट। सो इंडियन फार्माकोपिया को अगर हम नज़र में रखते हुए देखें तो टैबलेट का जो शेप है वो सर्कुलर होना चाहिए, बाय कॉन्वेक्स होना चाहिए या फिर फ्लैट होना चाहिए। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इन्हीं सबको हम बोलते हैं सर्कुलर, बाय कॉन्वेक्स एंड फ्लैट। सो हमारा टैबलेट अगर इन तीनों टाइप के शेप का नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उस टैबलेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उस टैबलेट को हम मार्केट में नहीं भेजते हैं। नेक्स्ट होता है कंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू द टैबलेट दैट कंटेन लेस देन 10 mg और लेस देन 10% ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू टैबलेट कंटेनिंग मल्टी विटामिन्स। सो कंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि मेरे टैबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी मेरे टैबलेट के अंदर जो एक्चुअल ड्रग होता है वो ड्रग की क्वांटिटी कितनी है। सो ये जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, ये हम उन टैबलेट्स के ऊपर करते हैं जिन टैबलेट्स के अंदर जो ड्रग का क्वांटिटी है वो 10 mg या 10 mg से कम हो या फिर 10% से कम हो। सो अगर इतने कम क्वांटिटी में ड्रग प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को चेक करते हैं। सो ये जो टेस्ट होता है ये हम मल्टी विटामिन्स के लिए नहीं करते हैं। सो ये टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं वो प्रोसेस देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय डूइंग द एसे एज स्टेटेड इन मोनोग्राफ। जनरली 20 और मोर देन 20 टैबलेट्स आर टेकन रैंडमली एंड द वैल्यू इज कंपेयर्ड विद स्टेटेड वैल्यू प्रेजेंट इन द मोनोग्राफ। इट इज इन द रेंज ऑफ 90% टू 110%। सो हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को करते कैसे हैं कि जो भी मेरा
बैच होता है टैबलेट का, उस पर्टिकुलर बैच में से हम 20 या 20 से ज़्यादा टैबलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। उसे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस टैबलेट के ऊपर हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये जो ऐसे होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, हम ये 20 टैबलेट के ऊपर ऐसे करते हैं। अब ऐसे करने के बाद हमारे पास जो भी परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के वैल्यू मिलेंगे, उन वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के वैल्यू से। अगर ये वैल्यू मैच करता है तो हमारा जो टेस्ट है, जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का जो टेस्ट है, वो पास हो जाता है। इफ़ नहीं मैच करता है तो हमारा जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का जो टेस्ट है, वो पर्टिकुलर बैच ऑफ टैबलेट क्या होता है, फेल कर लेता है। जनरली जो रेंज होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट की, वो तकरीबन 90% to 110% होती है। तो हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 90% to 110% के बीच में होना चाहिए। इससे अगर कम होता है तो भी हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी जो हमारा टेस्ट होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का, वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट। दिस टेस्ट इंश्योर डेट ऑल द टैबलेट्स इन द बैच आर ऑफ सेम वेट। ईच टैबलेट इन अ बैच शुड बी यूनिफॉर्म इन वेट। सो यूनिफॉर्मिटी इन वेट टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी टैबलेट्स प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर बैच में, उन टैबलेट्स के सभी के सभी टैबलेट्स के जो वेट है वो एक जैसा हो, लगभग एक जैसा हो। अगर एक जैसा नहीं होता है तो होता क्या है, जो हमारा टेस्ट है वो फेल हो जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट के टेस्ट को करते क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल टेस्ट, 20 टैबलेट्स आर वेट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। एवरेज वेट पर टैबलेट इज कैलकुलेटेड, देन द वेट ऑफ इंडिविजुअल टैबलेट्स आर कंपेयर्ड विद द एवरेज वेट टू डिटरमाइन वेट वेरिएशन। सो इस टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं, एक पर्टिकुलर बैच में से 20 टैबलेट हम ले लेते हैं, उन 20 टैबलेट का हम एक एवरेज वेट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 20 टैबलेट ले लिया, मैंने उन 20 टैबलेट का एवरेज वेट निकाला जो कि निकल के आया 500 mg। सो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जितने भी टैबलेट हैं उन टैबलेट्स को मैं 500 mg से मैच करने का कोशिश करूँगा। अगर मेरा टैबलेट 500 mg से मैच नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 450 mg हो जाता है, या 400 mg हो जाता है, या फिर 550 mg हो जाता है, 600 mg हो जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे टैबलेट का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बैच ऑफ टैबलेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे टैबलेट का जो वेट है वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सबके सब टैबलेट के वेट एक जैसे नहीं है, सबके टैबलेट्स के वेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने मिल रहा है हमें। सो नेक्स्ट टेस्ट होता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट ऑफ अ टैबलेट इंडिकेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट। दिस टेस्ट इज नॉट स्पेसिफिक इन फार्माकोपिया, बट मैन्युफैक्चरर हैव एम्प्लॉयड देयर ओन टेस्ट टू एंश्योर दैट द टैबलेट विल विदस्टैंड द नॉर्मल रिस्क ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो हार्डनेस टेस्ट होता क्या है कि हम कोई भी टैबलेट के हार्डनेस को चेक करते हैं। अब हम किसी भी टैबलेट के हार्डनेस को क्यों चेक करेंगे, इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है? सो होता क्या है कि टैबलेट के हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, उससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब इससे होगा क्या कि अगर मेरा टैबलेट का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, अगर वो अच्छा नहीं हुआ, तो हमारा जो टैबलेट होता है वो टैबलेट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, या फिर हम जब टैबलेट को हैंडल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे टैबलेट टूटने के चांस होते हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो हमारे टैबलेट का जो हार्डनेस है, वो हार्डनेस अच्छे तरीके से रहे। सो ये जो हार्डनेस टेस्ट होता है, हमारे फार्माकोपिया में एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं दिया हुआ है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये खुद अपना अपना हार्डनेस टेस्ट को इम्प्लॉय किए हुए हैं, खुद ही अपना ये हार्डनेस टेस्ट करते हैं एज़ पर देयर कन्वेंशन। कॉमनली यूज इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग हार्डनेस ऑफ द टैबलेट्स आर मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर एंड फाइजर टैबलेट हार्डनेस टेस्टर। सो हार्डनेस टेस्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर होता है, या फिर फाइजर टैबलेट हार्डनेस टेस्टर होता है। जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा, इन्हीं को हम बोलते हैं मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर या फिर फाइजर हार्डनेस टेस्टर, जो आपको सेकेंड पिक्चर में दिख रहा है। सो इसके अंदर हम करते क्या है, टैबलेट को रखते हैं और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर टैबलेट मेरा ब्रेक हो जाता है
तो हम क्या देखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टैबलेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, वो टैबलेट कितना जो प्रेशर है झेल सकता है। अगर वो टैबलेट ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता तो उस पर्टिकुलर बैच ऑफ टैबलेट को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। सो पहला होता है डिसइंटीग्रेशन। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट मीन्स टू ब्रेक द टैबलेट इंटू स्मॉल पार्टिकल्स और ग्रैन्यूल्स आफ्टर स्वॉलोविंग। सो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे टैबलेट का छोटा छोटा टुकड़ा हो जा रहा है, मेरे टैबलेट का छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स बन जा रहा है मेरे बॉडी के अंदर, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। नेक्स्ट पॉइंट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन टाइम। सो जितने टाइम में मेरा टैबलेट एक छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम। अगर मेरा टैबलेट एक टैबलेट से ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए, एक टैबलेट से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के लिए 5 मिनट ले रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा जो मेरा डिसइंटीग्रेशन टाइम है ये पर्टिकुलर टैबलेट का वो 5 मिनट है। नेक्स्ट होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। द टेस्ट यूज टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सो ऐसा टेस्ट जो डिसइंटीग्रेशन टाइम को रिकॉर्ड कर सके उसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट। सो अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट डिफर फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ ड्रग एंड टाइप ऑफ टैबलेट्स। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट में वेरी फ्रॉम 1 मिनट टू लॉन्ग टाइम अप टू 30 मिनट। फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब अ लिमिट ऑफ 15 मिनट्स फॉर मोस्ट ऑफ द टैबलेट। सो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है टैबलेट का वो कम से कम 60 सेकेंड से चालू होता है और ख़त्म होता है जाके ये 30 मिनट तक। लेकिन जो हमारा फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया क्या बताता है कि ज़्यादा करके टैबलेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 15 मिनट्स होता है। यानी कि बहुत सारे टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन है वो कम से कम 15 मिनट में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम इसका ऑफिशियल टेस्ट देख लेते हैं कि आखिर कौन से टेस्ट होते हैं जिसके वजह से हम डिसइंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो द अपैरेटस यूज फॉर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस। सो जो भी अपैरेटस हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं उस अपैरेटस को हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस यूजेस 6 ग्लासेस ट्यूब्स अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग ओपन एट द टॉप एंड हेल्ड अगेंस्ट 10 मेश स्क्रीन एट द बॉटम। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस जो होता है, इस डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस के अंदर हमें 6 ग्लास ट्यूब्स प्रेजेंट हुए दिखते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्यूब्स हैं इसी को हम बोलते हैं ग्लास ट्यूब्स। और ये जो ग्लास ट्यूब्स होते हैं ये हमारे पास 6 ग्लास ट्यूब्स तकरीबन होते हैं। ये ग्लास ट्यूब ऊपर से खुले हुए रहते हैं, एकदम टॉप पे से ये ओपन होते हैं, और जो निचला हिस्सा है ये ग्लास ट्यूब का, ये निचला हिस्सा एक पर्टिकुलर जाली से कनेक्ट हुआ होता है, एक मैश से कनेक्ट हुआ होता है। और ये इस मैश का जो नंबर होता है ये 10 मैश नंबर होता है इसका। तो जो आपको ये डायग्राम में ये सेट दिख रहा है 6 ग्लास ट्यूब का, इस पर्टिकुलर सेट को हम बास्केट रैक बोलते हैं। टू टेस्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन टाइम 1 टैबलेट इज प्लेस्ड इन ईच ट्यूब। द टैबलेट्स आर केप्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड विद द ट्यूब। सो होता क्या है कि अगर हमें किसी भी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना होता है तो हम करते क्या हैं, उस 6 टैबलेट को हम सिलेक्ट करते हैं और 6 टैबलेट को हम हर एक ग्लास ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। उस 6 टैबलेट को जैसे ही हम ग्लास ट्यूब में डाल देंगे, उस ग्लास ट्यूब को हम क्या करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर हम इमर्स कर देंगे ट्यूब के साथ। दिस बास्केट रैक इज प्लेस्ड इन 1 लीटर बीकर ऑफ वाटर, स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, स्टिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड विद डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। सो होता क्या है, इस बास्केट के अंदर हमने टैबलेट को डाल दिया, जिस टैबलेट को हमें टेस्ट करना था, जिस टैबलेट का हमें डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करना था। तो हम करते क्या हैं, इस टैबलेट को इस बास्केट के अंदर डालने के बाद बास्केट को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बीकर के अंदर हम उसके अंदर इमर्स कर देते हैं।
अब इस बीकर के अंदर रहता क्या क्या है, या तो वाटर हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक एसिड का फ्लूइड हो सकता है जो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, या फिर इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और ये जो गैस्ट्रिक एसिड है या फिर ये जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसका टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यहाँ पर जो डिफरेंस है ये ±2 का हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा डायग्राम होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बास्केट रैक जिसके अंदर 6 ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है। ये 6 ग्लास ट्यूब को हमने क्या कर दिया, टैबलेट डालने के बाद हमने क्या कर दिया, एक बीकर में डाल दिया जिसके अंदर वाटर या फिर गैस्ट्रिक फ्लूइड या फिर इंटेस्टिनल फ्लूइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम करते क्या हैं, द बास्केट रैक असेंबली इज सस्पेंडेड एज सून एज दैट द हाइस्ट पॉइंट इज एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ लिक्विड एंड लोएस्ट पॉइंट इज एट 2.5 सेंटीमीटर अबो द बॉटम ऑफ द बीकर। सो हम करते क्या हैं, जो भी हमारा बास्केट रैक असेंबली होता है उसे हम सस्पेंड करके रख देते हैं वाटर के अंदर। तो इसे हम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, या तो 2.5 सेंटीमीटर हम इसे अंदर लेके जाते हैं, फिर 2.5 सेंटीमीटर इसे हम वाटर के ऊपर तक लेके आते हैं। द बास्केट रैक असेंबली शुड बी रेज्ड एंड लोअर्ड बिटवीन 28 to 32 times per minute इन अ लिक्विड। सो जब हमारा अच्छे तरीके से पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट असेंबली एंड बास्केट रैक असेंबली अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा बास्केट रैक असेंबली होता है उसे हम इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं। मतलब बार बार इसे हम ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहते हैं, और ये जो नीचे ऊपर करने का जो इमर्शन का स्पीड होता है ये तकरीबन 28 to 32 times per minute होना चाहिए। टैबलेट पासेस द टेस्ट इफ़ ऑल 6 टैबलेट्स हैव डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम स्पेसिफाइड इन इंडियन फार्माकोपिया। इफ़ 1 or 2 टैबलेट फेल्स द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट देन दिस टेस्ट इज रिपीटेड ऑन एडिशनल 12 टैबलेट एंड देन नॉट लेस देन 16 out of 18 टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट। सो होता क्या है कि अगर हमारे 6 के 6 टैबलेट ने अगर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास कर लिया तो होगा क्या, हम उस पर्टिकुलर बैच ऑफ टैबलेट को हम क्या बोलेंगे, इन्होंने हमारा जो डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट है वो पास कर लिया। लेकिन अगर हमारे जो ये 6 टैबलेट्स में अगर 1 या 2 टैबलेट्स ऐसे रह जाते हैं जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाते पर्टिकुलर टाइम में, तो हम इस टेस्ट को क्या करेंगे, एडिशनल 12 टैबलेट्स के ऊपर करेंगे। तो होगा क्या, ये 12 टैबलेट्स प्लस पहले के 16 टैबलेट्स टोटल 18 टैबलेट्स हो गए। सो ये 18 टैबलेट्स में से तकरीबन 16 टैबलेट्स ऐसे होने चाहिए जो टेस्ट पास कर लेने चाहिए। अगर ये टेस्ट पास नहीं हुए, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास नहीं हुए अगर ये 16 टैबलेट्स, सो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये जो बैच है वो बैच हम क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर देंगे। हम क्या बोलेंगे कि ये बैच ऑफ टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम फेल कर चुका है। सो होप आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो समझ गया होगा अच्छे तरीके से। इसे हम एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। इसके अंदर हम करते क्या हैं, जो भी टैबलेट का हमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करवाना होता है उस टैबलेट को हम इस ग्लास ट्यूब में डाल देते हैं। इस ग्लास ट्यूब में डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे जो बास्केट रैक असेंबली है, इस बास्केट रैक असेंबली को हम एक बीकर में डाल देंगे, और ये बीकर में पहले से ही वाटर या फिर इंटेस्टिनल फ्लूइड या फिर गैस्ट्रिक एसिड वाले फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। इसे हम इमर्स करवाएंगे, और इसका जो स्पीड है इमर्शन का वो कितना होना चाहिए, तकरीबन 28 to 30 times per minute होना चाहिए। तो होगा क्या, जब हम इसे एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हमारा 6 के 6 टैबलेट अगर इसके अंदर डिसइंटीग्रेट हो गए तो हमारा टेस्ट पास हो जाता है। लेकिन अगर 6 के 6 टैबलेट्स में से अगर कोई 1 या 2 टैबलेट रह जाते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एडिशनल 12 टैबलेट्स लेते हैं। फिर उन 12 टैबलेट्स को भी हम क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने का कोशिश करते हैं उनके ऊपर। तो टोटल 18 टैबलेट्स हो गए। तो ये 18 टैबलेट्स में से तकरीबन 16 टैबलेट्स ऐसे होने चाहिए जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास कर लेने चाहिए। अगर हमारा 16 टैबलेट्स टेस्ट पास कर लेता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो टैबलेट है ये अच्छे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। लेकिन अगर 18 में से कोई भी टैबलेट पास नहीं हो पाता है टेस्ट, अगर 18 में से 15, 13, 14 अगर टैबलेट पास हो पाते हैं टेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर बैच ऑफ टैबलेट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो टैबलेट है ये वाला टेस्ट पास नहीं किया है अच्छे तरीके से। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट,
टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट फॉर 2 आवर्स इन 0.1 HCl सोल्यूशन एंड शुड डिसइंटीग्रेट इन अल्कलाइन सोल्यूशन विद इन 1 आवर। सो अगर हम एंटरिक कोटेड टैबलेट की बात करें, जिन ऐसे टैबलेट जिसके ऊपर एंटरिक कोटिंग होती है, तो वैसा टैबलेट तकरीबन 0.1 HCl सोल्यूशन के अंदर तकरीबन 2 घंटे तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, और अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर वो 1 घंटे के अंदर वो क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। सो अगर ये अच्छे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा एंटरिक कोटेड टैबलेट है वो ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास कर लिया है। नेक्स्ट हम डिसोल्यूशन टेस्ट को देख लेते हैं। डिसोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूबलाइज इन अ गिवन सॉल्वेंट। सो डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो सॉल्वेंट के अंदर कितने अच्छे तरीके से घुल मिल रहा है, कितने अच्छे तरीके से सॉल्यूबलाइज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। सो डिसोल्यूशन टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द परसेंटेज ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम डोसेज फॉर्म इन द बॉडी। सो डिसोल्यूशन टेस्ट हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में से, एक पर्टिकुलर टैबलेट में से वो ड्रग कितना अब ऑब्जॉर्ब हो रहा है अपने बॉडी के अंदर। सो डिसोल्यूशन टेस्ट इज कैरिड आउट इन 2 टाइप्स ऑफ अपैरेटस, डेट इज रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस एंड पेडल अपैरेटस। सो डिसोल्यूशन टेस्ट ये भी एक अपैरेटस के जरिए हम करते हैं। तो ये जो डिसोल्यूशन टेस्ट होता है इसे हम 2 टाइप के अपैरेटस में करते हैं। पहला अपैरेटस होता है रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस एंड दूसरा अपैरेटस होता है रोटेटिंग पेडल अपैरेटस। सो एक एक करके हम दोनों के वर्किंग एंड डिज़ाइन को देख लेते हैं। पहले हम डिज़ाइन ऑफ रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस को देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल वेसल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास, द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज अबाउट 1000 ml। सो ये जो रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस होता है, इस बास्केट अपैरेटस के अंदर हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल देखने मिलता है, और ये सिलेंड्रिकल वेसल एक ग्लास का बना हुआ होता है, एक बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1000 ml होती है, यानी कि 1 लीटर होती है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल, जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर या फिर 1000 ml होती है। इन रोटेटिंग बास्केट अपैरेटस वन स्टेनलेस स्टील बास्केट ऑफ 36 mesh इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। दिस बास्केट रोटेट विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट एट 100 rotation per minute एंड दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो होता क्या है कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है, इस सिलेंड्रिकल के वेसल के अंदर एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक स्टील बास्केट होता है। ये बास्केट ना पूरी तरीके से जाली का बना हुआ होता है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बास्केट। आपको दिख रहा होगा कि ये बास्केट कैसा जाली से बना हुआ है। ये जो जाली होता है इसका नंबर होता है 36 mesh number। ये जो जाली होती है ये क्या होती है, ये शाफ्ट के निचले वाले हिस्से में कनेक्ट हुई रहती है। तो आपको पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये अच्छे तरीके से कनेक्ट होता है शाफ्ट के ज़रिए, और ये प्रेजेंट होता है एक ग्लास के अंदर, जो भी हमारा सिलेंड्रिकल ग्लास है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अ सिंगल टैबलेट इज प्लेस्ड इन द स्मॉल वायर मेस बास्केट अटैच टू द बॉटम ऑफ द शाफ्ट कनेक्टेड टू द स्पीड मोटर। द बास्केट इज इमर्स्ड इन डिसोल्यूशन मीडियम प्रेजेंट इन 1000 ml बीकर। द फ्लास्क इज मेंटेन एट द 37 degree Celsius विद डिफरेंस ऑफ 0.5 degree Celsius बाय अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाथ। द मोटर इज एडजस्टेड सो दैट द बास्केट एंड शाफ्ट रोटेट एज अ स्पेसिफिक स्पीड एंड सैम्पल ऑफ द फ्लूइड्स आर विड्रॉन एट द इंटरवेल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द सोल्यूशन। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, जो भी टैबलेट का हमें डिसोल्यूशन टेस्ट चेक करना होता है, उस टैबलेट को हम क्या करेंगे, ये जो बास्केट है, ये जो वायर मैश वाला जो बास्केट है स्टेनलेस स्टील का, हम उस टैबलेट को इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो बास्केट होता है, इस बास्केट को हम क्या करेंगे, ये मीडियम के अंदर, डिसोल्यूशन मीडियम के अंदर जो कि हमारे सिलेंड्रिकल ग्लास में प्रेजेंट है, उसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। अब डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर होता है डिसोल्यूशन मीडियम का, ये तकरीबन 37 degree Centigrade तक होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बास्केट को, इस हम स्टेनलेस स्टील वाले बास्केट को विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर इसे हम रोटेट करते हैं। अब इसे रोटेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा टैबलेट इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर घुलता मिलता रहेगा, सॉल्यूबलाइज होता रहेगा,
वैसे वैसे हम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इस सल्यूशन को हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और उसे हम चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर कि इस सल्यूशन के अंदर कितने ड्रग्स प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग टैबलेट के अंदर से निकल पा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। सो इस तरीके से हम ये प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम डिज़ाइन एंड प्रोसीजर ऑफ पेडल अपैरेटस को देख लेते हैं। अ सिलेंड्रिकल वेसल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज अबाउट 1000 ml। इन पेडल अपैरेटस वन पेडल इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। दिस पेडल इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और टेफ्लॉन। दिस पेडल रोटेट विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट एट 100 रोटेशन पर मिनट एंड दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक मोटर। सो अगर हम डिज़ाइन की बात करें पैडल अपैरेटस की, सो इसके अंदर सेम टू सेम एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है, और इसकी भी कैपेसिटी 1000 ml यानी कि तकरीबन 1 लीटर तक होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि हमने बास्केट अपैरेटस में देखा था कि बास्केट अपैरेटस में एक बास्केट प्रेजेंट था जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पैडल प्रेजेंट होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या फिर टेफ्लॉन का बना हुआ होता है, और ये पैडल भी रोटेट होता है 100 रोटेशन पर मिनट की स्पीड पे विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अ सिंगल टैबलेट इज प्लेस्ड इन ग्लास बीकर विच कंटेन 1 लीटर ऑफ डिजोल्यूशन मीडियम। द फ्लास्क इज मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस विद अ डिफरेंस ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस बाय अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पाथ। द मोटर इज एडजस्टेड सो द शाफ्ट रोटेट एट अ स्पेसिफिक स्पीड एंड सैम्पल ऑफ द फ्लूइड आर विड्रॉन एट इंटरवल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द सोल्यूशन। तो इसके अंदर हम करते क्या है कि जो भी टैबलेट का हमें डिसोल्यूशन टेस्ट करवाना होता है उस टैबलेट को हम इस बीकर के अंदर डाल देते हैं, इस ग्लास बीकर के अंदर डाल देते हैं। इस ग्लास बीकर के अंदर पहले से ही 1 लीटर या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ml ऑफ डिसोल्यूशन सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब हम जैसे ही इस टैबलेट को इस डिसोल्यूशन सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे वैसे ही हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे डिसोल्यूशन सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है उसे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखते हैं विद द डिफरेंस ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हमने अच्छे तरीके से इसे हम टेम्परेचर इसे हम मेंटेन करके रख दिए वैसे ही हम क्या करते हैं, मोटर को हम स्टार्ट कर देते हैं, और मोटर को स्टार्ट करने के वजह से जो शाफ्ट होता है वो रोटेट होना चालू होता है और हमारा जो टैबलेट है वो भी लिक्विड के अंदर डिसोल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर अच्छे तरीके से वो घुलना मिलना चालू हो जाता है। और इसी के बीच बीच में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते रहते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा टैबलेट है वो किस तरीके से अंदर अच्छे तरीके से सॉल्यूबलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है हमने दोनों का देखा, बास्केट अपैरेटस वाले का भी एंड पेडल अपैरेटस वाले का भी। दोनों के दोनों जो प्रोसीजर है दोनों के दोनों प्रोसीजर सेम होते हैं, बस एक के अंदर हम क्या करते हैं, बास्केट अपैरेटस के अंदर हम टैबलेट बास्केट के अंदर डालते हैं और पेडल अपैरेटस वाले के अंदर हम जो टैबलेट है वो डायरेक्टली हम ग्लास बीकर के अंदर डालते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 5 टैबलेट्स। द डिसोल्यूशन लिमिट फॉर डिफरेंट टैबलेट्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ। सो जो भी डिसोल्यूशन टेस्ट होता है इस डिसोल्यूशन टेस्ट को हम 5 टैबलेट्स के ऊपर करते हैं। ये जो डिसोल्यूशन लिमिट है ये हर एक टैबलेट का कोटेड अनकोटेड टैबलेट्स एंटेरिक कोटेड टैबलेट फिल्म कोटिंग टैबलेट ये हर एक टाइप के कोटिंग टैबलेट का हमारे मोनोग्राफ में हमारे इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में ये मेंशन है कि कौन सा टैबलेट कितने टाइम में डिसोल्यूशन उसका हो जाना चाहिए। सो होप आपको डिसोल्यूशन प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फ्रायबिलिटी टेस्ट को देख लेते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग रॉच फ्रायबिलेटर। सो ये जो फ्रायबिलिटी टेस्ट है ये भी एक अपैरेटस के ज़रिए होता है और इस अपैरेटस को हम बोलते हैं रॉच फ्रायबिलेटर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं रॉच फ्रायबिलेटर। 20 टैबलेट्स आर वेट एंड प्लेस इन द अपैरेटस विच रोटेट एट द स्पीड ऑफ 25 रोटेशन पर मिनट। देर इज़ अ 6-inch पार्टीशन इन द अपैरेटस सो वेन द टैबलेट रोटेट इट स्ट्राइक अगेंस्ट द पार्टीशन एंड फॉल बैक। दिस टेस्ट इज डन फॉर 4 मिनट्स। The tablets are weighed before placing in the apparatus and tablets are again weighed after completing the test. The difference in the weight indicate the loss of content. The loss of content should not be more than 1%. So friability test के अंदर हम करते क्या हैं, तकरीबन 20 tablets हम select करते हैं
और इस 20 टैबलेट को हम इसका अच्छे तरीके से वेट करते हैं, इसे हम अच्छे तरीके से इनका वज़न करते हैं। वज़न करने के बाद हम इस अपैरेटस के अंदर हम पूरे के पूरे 20 टैबलेट को हम प्लेस कर देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। हम जैसे ही हम 20 के 20 टैबलेट को इस अपैरेटस के अंदर डालते हैं, वैसे ही हमारा जो अपैरेटस है, ये जो फ्रायबिलेटर है, ये रोटेट होना चालू होता है विद द स्पीड ऑफ 25 रोटेशन पर मिनट। अब ये होता क्या है, इसके अंदर एक 6 इंच का पार्टीशन भी प्रेजेंट है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब ये होता क्या है कि जैसे ही हमारा टैबलेट रोटेट होने लगता है इस अपैरेटर के साथ, तो हमारा टैबलेट बार बार इस 6 इंच वाले पार्टीशन से टकराता है और नीचे गिरता है। अब हम ये पूरे के पूरे टेस्ट को तकरीबन 4 मिनट तक करते हैं। 4 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, जो टैबलेट को हमने इसके अंदर डाला था, उस टैबलेट को हम बाहर निकालते हैं और उस टैबलेट का हम वापस वेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों वेट को कंपेयर करते हैं, एक जो हमने वेट पहले किया था टेस्ट के पहले, और दूसरा जो हमने अभी करना है टेस्ट के बाद। ये दोनों वेट को हम कंपेयर करते हैं, और इस दोनों वेट को कंपेयर करने के बाद हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 1% से ज़्यादा हुआ तो हमारा जो फ्रायबिलिटी टेस्ट होता है टैबलेट का, वो फेल हो जाता है। सो होप आपको जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।